सिद्धार्थनगर जनपद में पीसीपीएनडीटी के नोडल अधिकारी व पटल सहायक रुपए लेते हुए सीसीटीवी कैमरे में हुए कैद। आपको बताते चलें कि जिले में अवैध रूप से संचालित एक नर्सिंग होम में पीसीपीएनडीटी के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत अस्थाना अपने पटल सहायक राजेश श्रीवास्तव के साथ निरीक्षण करने पहुंचे। नर्सिंग होम का निरीक्षण करने के बाद अल्ट्रासाउंड कक्ष में अल्ट्रासाउंड मशीन जाँच के दौरान कई कमियाँ मिली। कमियाँ छुपाने के लिए पैसों की डिमांड के मामले को दबाने के लिए 2.5 लाख रुपए नर्सिंग होम के संचालक से लिए और रुपए लेते समय सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। आपको ये भी बता दें कि जनपद में 28 पैथोलॉजी, 68 अल्ट्रासाउंड केंद्र व 88 प्राइवेट नर्सिंग होम पीसीपीएनडीटी के नाम से रजिस्टर्ड हैं, लेकिन 2-4 को छोड़कर किसी भी सेंटर में लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, पैथोलॉजी मात्र हैं। शेष सभी सेंटर अवैध रूप से नोडल अधिकारी और पटल सहायक के संरक्षण में चल रहे हैं। इस मामले में जब जिला अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने जाँच कर कार्रवाई के निर्देश देने की बात कही। नहीं देखिए, जो अभी संज्ञान में आया और वीडियो अभी सामने लाया गया, उसको प्रथम दृष्टया देखने पे ये पाया जाता है कि किसी जगह पे जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वो गए और उसमें वीडियो में दिख रहा है कि पैसे का कुछ लेन देन हुआ है। तो ये अभी हमें वीडियो संज्ञान में आया, तथ्य संज्ञान में आया, इसमें अभी जाँच करवा के जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह के गृह जनपद में बेखौफ डॉक्टरों का ये हाल है, तो प्रदेश के अन्य जनपदों में क्या हालात होंगे? ऐसे में यह सीसीटीवी फुटेज एक बड़ा सवाल खड़ा करती है।